नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ किरण। दुष्कर्म और पॉक्सो के आरोप में जेल में बंद नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के मददगारों की सूची लंबी होती जा रही है। बता दें, इन मददगारों में अब तीन नए नाम सामने आए हैं और तीनों न सिर्फ सगे भाई हैं बल्कि दुग्ध संघ में काम भी करते हैं। ऐसे में अब मददगारों की कुल संख्या अब 8 हो चुकी है और पुलिस ने सभी के नाम मुकदमे में शामिल कर लिए हैं। जिस संबंध में सीओ नितिन लोहनी ने बताया कि मुकेश कुलोरा, दिनेश कुलोरा और दीपक कुलोरा तीनों सगे भाई हैं। ये मुकेश बोरा के गांव के हैं। मिली जानकारी के मुताबिक दिनेश कुलोरा और दीपक कुलोरा दुग्ध संघ में कामगार और ठेकेदार कर्मी हैं और दिनेश दुग्ध संघ लालकुआ में जेई के पद पर तैनात है। उसका भाई दीपक कुलोरा भवाली में मार्केटिंग में तैनात है और मुकेश कुलोरा ने दिनेश के जरिए मुकेश बोरा तक सिम पहुंचाया था, जबकि दीपक ने अपने नाम से नया कीपैड मोबाइल खरीदकर मुकेश को दिया था, जिसमें सिम और मोबाइल राजेंद्र रैकवाल के जरिए मुकेश तक पहुंचाए गए। यही नहीं, राजेंद्र पुलिस की अपडेट भी मुकेश तक पहुंचा रहा था। सीओ ने बताया कि राजेंद्र का नाम मुकदमे में पहले ही शामिल है और अब तीनों भाइयों का नाम भी मुकदमे में शामिल कर लिया गया है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट पर इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। धन्यवाद।